द ग्रेटेस्ट रेनिंग रेन आज खत्म हो चुका है, मतलब हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपना यूनिवर्सल टाइटल हार चुके हैं, मतलब कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को है ना यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाए रोमन रेंस। और गाइस फाइनली हमारे कोडी रोड्स बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, या हम बोल सकते हैं नया नाम उसका WWE चैंपियनशिप, क्योंकि WWE ने इसे नया नाम भी दे दिया है। तो गाइस यहाँ पर है ना काफ़ी तगड़ा वाला मैच देखने को मिला, मतलब आपको मैं शुरू से आखिर तक बता देता हूँ कि भाई इस मैच के अंदर जितने मूवमेंट देखने को मिले ना भाई उतने मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी किसी मैच के अंदर नहीं देखने को मिले, क्योंकि गाइस इतने सारे लेजेंड ने रिटर्न करा है। और गाइस यहाँ पर रॉक भी देखने को मिले, मतलब रॉक तो देखने को मिलने वाली थी क्योंकि भाई उन्होंने यहाँ पर स्टिपुलेशन ऐड करवाई थी ब्लेंडराइन रूल्स वाली। तो गाइस यहाँ पर खास तौर पर क्या देखने को मिला, गाइस रोमन रेंस और हमारे कोडी रोड्स का मैच स्टार्ट होता है। गाइस इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स है, यहाँ पर है ना कम से कम 3 से 4 बार तो क्रॉस रोड लगाया, पर गाइस हमारे रोमन रेंस हार ही नहीं मान रहे थे, यहाँ पर स्पेयर भी पड़े 2 से 3 बार, पर गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं थे। पर गाइस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है जब हमारे है ना कोडी रोड्स अपने 3-3 क्रॉस रोड्स मार रहे थे, पर गाइस यहाँ पर हमारे जिमी उसो है ना एक सुपर किक लगा देते हैं हमारे कोडी रोड्स को। और गाइस इसके बाद फिर क्या देखने को मिलता है, हमारे उसो मतलब जे उसो भी देखने को मिलते हैं, और गाइस जे उसो ने जिमी उसो को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया और गाइस यहाँ पर उनके ऊपर टेबल तोड़ दिया, और गाइस ये दोनों बंदे बिल्कुल बाहर हो गए मैच से। फिर इसके बाद वापस हमारे जो है ना कोडी रोड्स वापस क्रॉस रोड्स लगाने लग जाते हैं रोमन रेंस को, पर गाइस यहाँ पर फिर सोलो सिको देखने को मिलते हैं, पहले एक स्पाइक मारते हैं उसके बाद फिर भाई समोन स्पाइक प्लस स्पेयर मारते हैं, पर गाइस यहाँ पर भी किक आउट कर देते हैं हमारे कोडी रोड्स। पर गाइस इसके बाद फिर क्या स्पेशल चीज़ें देखने को मिली, इसके बाद फिर हमें देखने को मिला हमारे सी नेशन लीडर 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, और गाइस उन्होंने फाइनली इतने ज़्यादा टीस के बाद अपना रिटर्न कर ही लिया। और गाइस इसके बाद रिंग में आके सबसे पहले तो है ना सोलो सिको को बाहर करा, उसके बाद है ना रोमन रेंस को एक एके पड़ा, और गाइस इसके बाद है ना टेबल के ऊपर है ना सोलो सिको को भी एक ए दिया यहाँ पर हमारे जॉन सीना ने, और गाइस यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लड लाइन को बिछा दिया। और गाइस फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भाई हमारा रॉक का म्यूजिक हिट होता है और गाइस रॉक निकल के आते हैं, और गाइस ये दोनों बंदों का पूरे 11 साल बाद कन्फ्रंटेशन होता है, और गाइस जॉन सीना और रॉक है ना बिल्कुल रिंग के बीचों बीच खड़े थे, और गाइस यहाँ पर हमारे रॉक है ना अपना रॉक बॉटम लगा देते सक्सेसफुली, और गाइस इसके बाद वो अपना मामा रोड्स वाला बेल्ट निकाल लेते हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए। पर गाइस यहाँ पर हमारा शील्ड का म्यूजिक हिट होता है, और गाइस एक सेकंड को ऐसा लगा कि भाई हमारे जॉन सीना सॉरी हमारे जॉन मॉक्सली मतलब डीन एम्ब्रोस वापस तो नहीं आ गए WWE में, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यहाँ पर अपना शील्ड का अटायर पहन के आए थे, और गाइस यहाँ पर उनके शील्ड के अटायर में है ना यहाँ पर रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मार दिया, और गाइस यहाँ पर फिर है ना हमारे रॉक अकेले बचते रिंग में, और देख के लगता कि भाई अब तो वो है ना यहाँ पर अपना मामा रोड्स वाला बेल्ट से वो सुताई करने वाले, पर गाइस यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस इसके बाद फिर हमें देखने को मिलते हैं द अंडरटेकर, और गाइस यहाँ पर द अंडरटेकर ने लगाया वो तगड़ा वाला चॉक स्लैम हमारे द रॉक को, और भाई दोनों बंदे कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। और गाइस इसके बाद रिंग में सिर्फ 3 बंदे बचते हैं हमारे रोमन रेंस कोडी रोड्स और गाइस हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। रोमन रेंस के पास एडवांटेज रहता है भाई, उनके पास चेयर रहती है, और गाइस चेयर से उनके पास 2 ऑप्शन थे, गाइस या तो वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को मारकर अपना शील्ड का बदला ले लें, या हमारे है ना कोडी रोड्स को मारकर अपना टाइटल रिटेन कर लें, क्योंकि भाई कोडी रोड्स की कंडीशन इतनी खराब थी कभी भाई एक भी चेयर शॉट पड़ जाता ना तो उनको बिल्कुल काम तमाम था। पर गाइस यहाँ पर रोमन रेंस ने चुना अपने शील्ड के जो तो बिट्रेल को करने वाले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, और गाइस वो आज भी अपना बिट्रेल नहीं भूल पाए, और गाइस उन्होंने अपना फाइनली यहाँ पर है ना पे बैक ले लिया, यहाँ पर उन्होंने अपना बदला ले लिया, और गाइस यहाँ पर हमारे सेथ रॉलिंस को मार दिया। पर गाइस यहाँ पर पीछे से हमारे क्रॉस रोड्स लगते हैं वो भी भाई 3-3, और गाइस यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर है ना हमारे रोमन रेंस को डिथ्रोन कर दिया हमारे कोडी रोड्स ने, क्योंकि क्लियर 1-2-3 पिन हो गया, और गाइस यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आया रोमन रेंस को इस बार, और गाइस यहाँ पर फाइनली हमारे कोडी रोड्स बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पर गाइस रोमन रेंस के लिए दिल से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, पर कोई नहीं गाइस यहाँ पर न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है हमारे कोडी रोड्स का, क्योंकि गाइस ट्रिपल एच ने पर्सनली यहाँ पर अनाउंस कर दिया है पॉल लेवस का एरा कर, और गाइस यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हमारे रोमन रेंस डिथ्रोन हो गए, और भाई पता नहीं अब रोमन रेंस कहाँ जाएंगे, मतलब कितने दिन बाद रिटर्न करेंगे WWE किसी को आइडिया नहीं है। पर गाइस यहाँ पर हमारे चैनल पर जरूर उनकी अपडेट मिलती रहेगी आपको, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रसल अल्टीमेट पर।